मोस्ट मर्सीफुल एजुकेटर्स एन एम सी आरिफ वाला। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आवर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास फोर। डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक नेम इज़ नाउ योर कंप्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पेज नंबर 10। टॉपिक है मेरे पास जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स। जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेम्स को कंप्यूटर पे प्ले करने के लिए यूज़ होती है। इट यूजली हैज़ अ हैंडल विद अ फायरिंग बटन ऑन द टॉप। ठीक है, ये एक हैंडल रखता है और वेयर द ट्रिगर फिंगर इज़, जहाँ पे जो है वो ट्रिगर फिंगर्स होती हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू कंट्रोल इनपुट्स इन वीडियो गेम्स। मोस्टली ये यूज़ होता है कंट्रोल करने के लिए इनपुट्स को वीडियो गेम्स में। नेक्स्ट है मेरे पास बारकोड रीडर। दिस डिवाइस रीड्स द बारकोड्स एज इनपुट डाटा। इनपुट डाटा के तौर पर ये रीड करता है बारकोड को। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स पे कंसिस्ट करता है अ लेंस एंड अ लाइट सेंसर। तो इसके अंदर एक लाइट और लेंस सेंसर जो है वो यूज़ होता है। अ बारकोड रीडर इज़ यूज्ड टू रीड द स्मॉल इमेजेस ऑफ लाइंस एंड स्पेसेस दैट आर अफिक्स्ड टू रिटेल स्टोर आइटम्स। तो मोस्टली जो बारकोड रीडर है उसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल इमेज के लिए, लाइंस के लिए। ठीक है, तो ये रिटेल स्टोर में यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स एंड पोस्टल मेल। ठीक है, जिसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स आ जाते हैं और पोस्टल मेल्स आ जाती हैं। इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर। तो ये आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट के नंबर को, पर्सन को और लोकेशन को थ्रू दीज लाइंस एंड स्पेसेस। तो इन लाइंस और स्पेस के थ्रू ये आइडेंटिफिकेशन शो करता है पर्सन की। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है? बायोमेट्रिक सेंसर इज़ यूज टू रिकोगनाइज इंडिविजुअल्स को रिकोगनाइज करता है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स। तो जो कि उसके बिहेवियरल और फिजिकल ट्रेट्स पे जो है वो बेस करता है। इट इज़ यूज्ड टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये अटेंडेंस मार्क करने के लिए यूज़ होता है एंड इंस्टीट्यूशंस रिस्पेक्टिवली इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज़ किया जाता है इसको। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज अ सिक्योरिटी डिवाइस। तो ये सिक्योरिटी डिवाइस के तौर पर भी एक पॉपुलर डिवाइस है। टू प्रोवाइड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री फॉर सिक्योर्ड एरियाज। तो ये रिस्ट्रिक्टेड जो है वो एंट्रीज प्रोवाइड करता है हमें सिक्योर्ड एरियाज के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास स्कैनर। अ स्कैनर इज़ अ डिवाइस। स्कैनर एक डिवाइस है दैट हेल्प्स टू पुट प्रिंटेड पिक्चर्स। तो ये क्या करता है? पुट करता है प्रिंटेड पिक्चर को एंड इलस्ट्रेशन इनटू द कंप्यूटर। द स्कैनर रीड्स अ इमेज एंड ट्रांसलेट। स्कैनर जो है वो रीड करता है इमेज को और उसको ट्रांसलेट करता है द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज़। वो इंफॉर्मेशन जिसको कंप्यूटर यूज़ कर सकता है ये उसमें इसको ट्रांसलेट कर देता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर है, जिसमें है फर्स्ट फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द इनपुट आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग के बाद ये रिजल्ट को शो आउट करता है। सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर। कुछ कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है मोनीटर। अ मोनीटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस। हमारे पास जो है वो मोस्टली यूज़ होने वाला डिवाइस है। इट इज़ कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको VDU का नेम भी दिया जाता है। द इमेजेस दैट वी सी ऑन द मोनीटर आर मेड अप ऑफ टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। तो जो इमेज बनता है स्क्रीन पे वो टीनी डॉट्स पे कंसिस्ट करता है, जिसको पिक्सल्स का नाम दिया जाता है। द क्लैरिटी ऑफ द इमेजेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन। तो जो इमेज की क्लैरिटी है तो वो डॉट्स पे जो है वो बेस करती है, उस पर डिपेंड करती है कि हमारे मोबाइल का इमेज जो है या हमारे कैमरे का रिजल्ट जो है तो वो पिक्सल पे बेस कर रहा होता है बेसिकली। द कलर्ड इमेजेस वी सी आर बिकॉज ऑफ द कलर्ड पिक्सल्स। तो कलर इमेज हम किस तरह क्यों कैसे हमारे पास जो है वो मौजूद है, वो इस वजह से कि हम इसके अंदर जो है वो कलर्ड पिक्सल्स यूज़ होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनीटर्स अवेलेबल। हमारे पास टू टाइप्स के मोनीटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिन पे हमारे पास है CRT दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब मोनीटर एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनीटर।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर. अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट अलाउज अस टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर. प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें अलाउ करता है हम अपनी वर्किंग जो है पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटर. डिफरेंट काइंड्स के प्रिंटर हैं. फर्स्ट वन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर. ये एक टाइपराइटर की तरह वर्किंग करता है. द प्रिंटर हेड स्ट्राइक्स द पेपर एंड द इंक रिबन टू प्रिंट करेक्टर. तो प्रिंटर जो है वो स्ट्राइक करता है पेपर पे थ्रू इंक. ठीक है, देन करेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाता है. इट इज़ कॉल्ड एन इम्पैक्ट प्रिंटर. तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है. दिस प्रिंटर इज स्लो एंड नॉइजी बट इकोनॉमिकल. ठीक है, स्लो है, नॉइजी है, इसका शोर होता है, बट ये क्या है, इकोनॉमिकल है. इन गैजेट प्रिंटर दे आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं बिकॉज देर इज अ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर. हम इसको जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर हेड और पेपर के दरमियान जो है वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता. नेक्स्ट है मेरे पास प्रिंटिंग इज डन लाइन बाई सब स्प्रेइंग इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग है वो किसके थ्रू किस तरह डन होती है, लाइन बाय लाइन इसकी प्रिंटिंग होती है. दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा ये फास्टर होते हैं. दिस प्रिंट दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर इंक. ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादा इंक जो है वो कंज्यूम करते हैं. इंक कार्ट्रिज आर यूज इन इंकजेट प्रिंटर. ठीक है, तो इसमें इंक कार्ट्रिज यूज़ होती है. लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर यूज़ लेज़र बीम्स टू प्रिंट ऑन पेपर. लेज़र बीम्स को ये यूज़ करते हैं पेपर पे प्रिंट आउट के लिए. दीज प्रिंटर्स आर मच फास्टर देन इंकजेट प्रिंटर. तो ये ज़्यादा फास्टर होते हैं इंकजेट प्रिंटर से. एंड द प्रिंटर प्रिंट क्वालिटी इज़ मच सुपीरियर. तो इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है. हाउ एवर दे आर एक्सपेंसिव एंड आर मेनली यूज इन प्लेसिस. तो हम ये एक्सपेंसिव ही है. वे फाइन क्वालिटी प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड. जहाँ पे फाइन क्वालिटी का प्रिंटर रिक्वायर होता है तो वहाँ पे इसकी जो है प्राइस भी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट हमारे पास है प्लॉटर. प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट गुड क्वालिटी ड्राइंग. तो ये ड्राइंग को प्रिंट आउट करने के लिए यूज़ होता है. दे आर मेनली यूज इन डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑफिसिस. मोस्टली ये ऑफिस के अंदर यूज़ होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्लास वर्क है उसके लिए आप अपनी नोटबुक्स रेडी कीजिए, अपना मार्जिन लाइन्स जो है वो ड्रॉ कीजिए. एंड आपका जो क्लास वर्क है वो नीट होना चाहिए. अपने पेज के आप राइट कॉर्नर पे डेट मेंशन करें एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आप डे मेंशन करें जो कि ट्यूसडे है. पेज नंबर हमारा 16 है. टॉपिक जो है नाउ योर कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अ ग्राफिक टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट क्या होता है. इट इज़ यूज्ड टू एंटर हैंड ड्रॉन इमेज एंड डिजिटल सिग्नेचर. तो स्टूडेंट्स इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर हैंड ड्रॉन इमेज जो होता मौजूद होता है एंड डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो ग्राफिक टैबलेट के थ्रू ये इसको हम यूज़ करते हैं. ये हमारा आज का क्लास वर्क है. और इसके साथ हमारा जो होमवर्क है जो आपने रेडी करना है उसमें डू रीड बुक पेज नंबर 10 एंड 11 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 एंड लर्न योर क्लास वर्क. थैंक यू सो मच.